السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر

तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी और दूसरा मसाला यह है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर ज़बह कर रहा है और उसने जानवर को किबला रुख लेटाने के बजाय किसी और की तरफ लेटा कर ज़बह कर दिया यानी किबला कि रुख नहीं लेटाया पश्चिम के अलावा पूरा उत्तर दक्षिण किसी और तरफ उसने जानवर ज़बह कर दिया तो क्या उसकी कुरबानी हो जाएगी और तीसरा मसाला ये है कि क्या अगर घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या ख़ातून अगर हिम्मत वाली है उसको तरीक़ा मालूम है तो क्या औरत कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकती है तो हम पहले मसले की तरफ़ आते हैं पहला मसला ये है कि क्या ईद की नमाज़ अदा करने से पहले जानवर ज़बह करने से कुर्बानी हो जाएगी इससे मतलब जुनूब बिस्फियान बदली रज़ील त से रवायत है वह बयान करते हैं कि एक मरतबा हमने मोहम्मद रसोल्ला के साथ कुरबानी की मोहम्मद रसोल्लादलाजहा की नमाज़ से फारिग होकर जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ईद अलाजी की नमाज अदा करने से पहले ही अपनी क़ुरबानी के जानवरों को जबा कर दिया है अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने जब यह मंजर देखा तो आपने फरमाया मंजब कबल सलास ब उखरा आप जिन जिन लोगों ने ईद अजहा की नमाज अदा करने से पहले अपनी कुर्बानी के जानवरों को जबा कर दिया है उनको चाहिए कि दोबारा अपनी कुर्बानी के जानवरों को जबा करें यानी दूसरे जानवर जब करें उनकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी क्योंकि कुर्बानी का जो वक्त है ईद अजहा की नमाज के बाद है ईद उल अजहा की नमाज से पहले अगर किसी के सामने कोई मजबूरी आती कि कोई जबा करने वाला नहीं मिल रहा है तो चलो हम पहले जबा कर दें वो कुर्बानी नहीं होगी जो वक्त है कुर्बानी का उसी वक्त कुर्बानी करनी है दूसरा मसला यह है कि अगर कोई शख्स जानवर ज़बा कर रहा है और जानवर ज़बा करते हुए उसने जानवर को किबला रुख के बजाय किसी और रुख की तरफ लेटा कर ज़बह कर दिया तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी तो इस सवाल के जवाब में दुक्तूर फजल रहमान मदनी नेमतुल मन्नान जिल्द नंबर छः सफ़ा नंबर एक सौ में फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए किबला की तरफ रुख करना ये बेहतर और अफजल है फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है किसी दरील से बात साबित नहीं है कि कुर्बानी का जानवर ब करने के लिए उसको किबला की तरफ करना ज़रूरी है या शर्त है इसलिए अगर कोई शख्स जानवर जबाह करते हुए कबिला रुख की बजाय किसी और रुख की तरफ जबा कर देता है तो उसकी कुरबानी हो जाएगी तीसरा मसला यह है कि क्या औरत कुर्बानी का जानवर जबाह कर सकती है तो इस मसले में जवाब यह है कि अगर औरत को कुर्बानी का जानवर जबाह करने का तरीका मालूम है उसको हिम्मत और ताकत है तो जबाह कर सकती है इसकी दो दलीलें मैं आपके सामने पेश करूंगा सही बुखारी से पहली दरील दो हजार तीन सौ चार नंबर की रवायत है सही बखारी की काब बिन मालिक रजिलान बयान करते हैं कि हमारे पास बकरियों का एक रेवड़ था एक मरतबा हमारी एक बादी सला पहाड़ी पर बकरियों को चरा रही थी कि चरते चरते अचानक एक बकरी मरने लगी अब वो जब देखा उसने कि बकरी मर रही है तो पत्थर को तोड़ करके एक धारदार पत्थर था उससे उसने बकरी को जबा कर दिया जब उस बाँधी ने पत्थर से बकरी को जबा कर दिया तो काबिन मालिक रजील्ला कहते हैं मैंने लोगों को कहा कि तुम जब तक मैं मोहम्मद वसल्लम से मालूम ना कर लू इसका गोश्त नहीं खाना उसके बाद काबिन मालिक रजील् तुम ने या खुद जाकर के मालूम किया या किसी को मोहम्मद रसूल के पास भेजा और आपल्म से पूछवाया कि आप से मालूम कराया कि अल्लाह के नबी वसल्लम हमारे पास एक बाँधी है उसने बकरी को मरते देखा तो पत्थर से दबा कर दिया आप क्या करें अल्लाह के नबी नबीला ने कहा उसका गोश्त खा लो वो तुम्हारे लिए हलाल है इससे पता चलता है कि औरत भी कर्बानी का जानवर जबा कर सकती है इसी तरह अबू मूसा शरीर रन के बारे में सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है कि वो बाकायदा अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि तुम भी कुर्बानी के जानवर जबा करो अपनी बेटियों से कहते थे मूसा मुसा अल्लाहु ताला तुम कि तुम भी अपने हाथों से कुर्बानी के जानवर जबा करो खुलासे कलाम ये कि कोई शख्स अगर ईद अज़हा की नमाज से पहले कुर्बानी का जानवर ब करता है तो उसकी कुरबानी मानी नहीं जाएगी और अगर कोई आदमी जानवर ज़बा करते हुए किबला के अलावा किसी और की कि तरफ़ रुख करके जानवर ज़बा कर देता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी और औरत भी कुर्बानी का जानवर ज़बा कर सकती है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कर आलमीन हम तमाम तो मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमा हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा ईमान के साथ मौत नसीब फरमा आमीन और सल अल्ला नबीम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला